वन का बॉक्स मिलता है इस तरह से कुछ, और मेरे पास है ब्लू कलर। मजीद वीडियो देखने से पहले इनायत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक। यहाँ वेरिएंट है 4 GB और 64 GB वाला। वारंटी को मेंशन किया गया है, पीटीए की स्टैम्प को मेंशन किया गया है, और रियर साइड पर मेंशन किया गया है कुछ स्पेसिफिकेशन को। प्योर डिस्प्ले 12+13 MP का रियर कैमरा विद जीस ऑप्टिक्स एंड OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। 20 MP का फ्रंट कैमरा है। एडवांस AI इमेजिंग को मेंशन किया गया है। यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 मिल रहा है। फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है, 3500 mAh की बैटरी मिल रही है, और बाकी यहाँ पर कुछ शेप दी गई है और मेंशन किया गया है नोकिया की ब्रांडिंग को। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, बॉक्स के रैपर को उतार लेते हैं और फिर बात करते हैं फोन की। तो यहाँ बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर मिल जाता है वारंटी कार्ड और एडवांस टेलीकॉम जो है वो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में। और फिर आपको मिल जाती है कुछ इस तरह से पैकिंग और मिलता है आपको नोकिया 8.1। यहाँ दोस्तों ये है हमारा नोकिया 8.1 और ब्लू कलर है। इसको ऑन करते हैं, साइड पर रखते हैं। बॉक्स की कंटेंट्स की बात कर लें तो यहाँ सिम इजेक्टर टूल को लगाया गया है ऊपर, और फिर मिल जाती है कुछ मैनुअल गाइड्स, और यहाँ मिल जाता है हमें चार्जर और टाइप सी की कनेक्टिविटी। और केबल की क्वालिटी बोलूँगा काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर फोन, काफ़ी थिक और अच्छी लग रही है। और यहाँ चार्जिंग की रेटिंग की बात कर ली जाए तो चार्जर यहाँ पर जो चार्जर ब्रिक है वो आपको अनबॉक्स करते ही मिल रहा है 18 वॉट वाला, 9 वॉट 2 एम्पीयर वाला चार्जर है। फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन आपको मिलती है, और यहाँ आपको एक हैंड्स फ्री भी देखने को मिल जाती है। हैंड्स फ्री कुछ इस टाइप की है, और एक अच्छी बात है, नॉर्मली इस रेंज के जो शाओमी और रियलमी के फ़ोन उनमें हैंड्स फ्री नहीं मिलती, ओप्पो वाले फ़ोन में मिल जाते हैं, इन ईयर वाली हैंड्स फ्री मिल जाती है। बाकी हैंड्स फ्री की क्वालिटी चेक करने के बाद रिव्यू में बात करेंगे। बात होगी बॉक्स के कंटेंट की, और यहाँ फ़ोन को ऑन करते ही हमें उर्दू मिल जाती है, वो भी अच्छी बात है। बाकी इस फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट और फिर बात करते हैं इंटरनल्स की और कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ नोकिया 8.1 ऑन हो चुका है। अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ डिस्प्ले आपको 618 का मिल रहा है, 6.18 का डिस्प्ले मिलता है। नॉच कुछ बड़ी सी है और यहाँ बेजल्स भी काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। इवन यहाँ पर आपको नोकिया की ब्रांडिंग नज़र आएगी। और यहाँ अगर बात कर ली जाए इस फोन की रेजोल्यूशन की तो IPS डिस्प्ले है, 408 का PPI मिलता है, 1080p का रेजोल्यूशन मिल जाता है आपको। और यहाँ प्रोटेक्शन जो है वो NEG का कोई ग्लास लगाया गया है। अब ये नोकिया को बेहतर पता होगा किस क्वालिटी का ग्लास है। बहरहाल यहाँ बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको रियर साइड पर ग्लास बिल्ड क्वालिटी, नोकिया की ब्रांडिंग, एंड्रॉयड 1 को मेंशन किया गया है, 12+13 MP का कैमरा, और कैमरा बम को थोड़ा सा ऊपर रखा गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर है। यहाँ आपको एक LED लाइट मिल जाती है, फ्रेम अलग से रखा गया है, एल्यूमिनियम फ्रेम्ड है, ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर की, और ऊपर की साइड पर एंटेना बैंड। साथ ही माइक आपको 3.5 mm का जैक, हैंड्स फ्री जैक मिलता है। और यहाँ आपको मिल जाती है एक सिम जैकेट, और सिम जैकेट को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ अगर सिम ट्री की बात की जाए तो आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है, 2 सिम्स या 1 सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप 2 सिम्स और 1 मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है। और बॉटम की साइड की बात कर ली जाए तो एंटेना बैंड्स, यहाँ आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी की कनेक्टिविटी और एक माइक देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो फ्रंट वाली साइड पर आपको मिलता है 20 MP का कैमरा, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रखी गई हैं। फुली AI लोड कैमरा है, आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो पोर्ट्रेट शॉट है वो बहुत ही बेहतर मिलने वाले हैं। लाइव बुके इस फोन का काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर जो है और वो कुछ 13 MP का मिल रहा है, और यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन भी रखा गया है 460 FPS पर। और अगर ये वीडियोस की बात कर ली जाए तो फोन आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो है 1080p 30 FPS की रिकॉर्डिंग दे रहा है, और यहाँ आपको मिल जाती है जायरो की सपोर्ट भी कैमराज में, EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की भी सपोर्ट मिल जाती है। 12 MP का मेन सेंसर है, 1.8 का अपर्चर रखा गया है। फ्रंट वाली साइड का आपको कुछ 2.0 का अपर्चर देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड पर कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश लाइट नहीं दी गई। बाकी कैमरा ऑप्शन आपको फुली लोडेड बुके का भी ऑप्शन मिलता है, पैनोरामा स्केयर फोटोज का ऑप्शन, प्रोमोड मिल जाता है। यहाँ अगर इंटरनल्स की बात कर ली जाए तो अनबॉक्स करते ही आपको एंड्रॉयड पाई का ऑप्शन मिल रहा है, स्टॉक एंड्रॉयड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जो कि काफी ज्यादा स्मूथ है और बेहतर काम करता है। मुझे पर्सनली स्टॉक एंड्रॉयड वाले फोन काफी ज्यादा पसंद आते हैं। अब आपको कैसे लगते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
नॉच इस फोन की थोड़ी सी बड़ी रखी गई है और यहाँ आपको रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड कुछ इस तरह से काम करती है। फिंगरप्रिंट सेंसर काफी क्विक नजर आता है, फेस अनलॉक इस फोन में मिल जाता है। यहाँ पर टोटली आपको पिक्सल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, काफी स्मूथ चलने वाला है। और सेंसर्स की बात कर ली जाए तो इस फोन के अंदर आपको सारी सेंसर की सपोर्ट मिलती है। यहाँ आपको कैमरा में EIS और जायरो की सपोर्ट भी मिल रही है। फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और इस फोन में आपको जायरो की सपोर्ट मिल जाती है। आप 3D VR का भी मजा इस फोन में ले सकते हैं। और अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो यहाँ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग टाइप सी की कनेक्टिविटी के साथ आपको जो पेयर बैटरी का मिलता है वो कुछ है 3500 mAh का। अब करंटली 2019 के अंदर 4042 mAh की बैटरी ऑप्शन में मिल रही है, तो यहाँ कहूंगा कि बैटरी थोड़ी सी कम है। 1080p रेजोल्यूशन के साथ आपको स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा कम देगी। बाकी हैंड फील काफी प्रीमियम है इस फोन की। डिस्प्ले थोड़ा सा आउटडेटेड बोलूंगा। आप क्या समझ रहे हैं क्या नोकिया 8.1 जो है वो 40,000-40,000 की प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के अनबॉक्सिंग में बस इतना।